नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर एक मां ने अपने परिवार के साथ महिला थाने के सामने सोमवार की दोपहर धरना देकर महिला थाना पुलिस पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाते हुए धरना दे दिया था और नाबालिग बेटी को बरामद करने की मांग को लेकर परिवार महिला थाने के सामने ही सड़क पर बैठ गया था। महिला थाने के सामने सड़क पर बैठे इस परिवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार समझा बुझाकर धरना समाप्त कराने का प्रयास किया था। इसी के साथ इस दौरान मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक भी पहुंचे और पीड़िता से बात की, साथ ही उसको समझाने का प्रयास भी किया। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। ये एक ब्राह्मण समाज की बच्ची है जो नाबालिग बच्ची थी, पिछले 8-9 दिन से गायब है ये, तो उसके बारे में सूचना मिली तब मैं यहाँ पे आया। मैंने जानकारी की तो उसकी माताजी जो हैं वो धरने पे बैठी हुई हैं, अब अधिकारियों से बात चल रही है, जैसा भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद बताएंगे। क्या क्या निकल रहा है बच्ची बच्ची जो है वो थाने आई थी, यहाँ पे थाने से वो चली गई। अब इनका बताना है कि वो बच्ची जो थाने आई थी, थाने आने के बाद यहाँ से निकल गई वो, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये कह रहे हैं पुलिस ने जो गायब कर दिया है, पुलिस वाले बता रहे हैं अभी बात करी जाएगी, अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारियों से बात हुई है, उसके बाद में जो भी होगा मैं बता दिया जाएगा। मगर पीड़ित परिवार नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग पर अड़ा रहा। आखिरकार देर रात पुलिस के अधिकारियों के आश्वासन पर नाबालिग बेटी को शीघ्र बरामद करने की बात कहे जाने के बाद पीड़ित परिवार को घर भेजकर उनके धरने को समाप्त करा दिया गया।